और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा ले। जिंदाबाद। जितना मजा नहीं आता है लड्डू पेड़ा खाने में, और उससे अधिक मजा आता है खुजली खाज खुजाने में, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको आकर हंसाएं, गुदगुदाएं, आपके ठहाकों को आसमान तक लेकर जाएं, कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, किसी के खौफ से हम दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, किसी के खौफ से हम दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, और जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, वक्त के डर से यूं हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। एक बार दोनों हाथ खोलकर बड़े रचनाकार को बड़ी तालियों के माध्यम से आमंत्रित करिएगा, आदरणीय दद्दू सुनहरी लाल वर्मा तुरंत से। बुलंदशहर के बुलंद इरादे वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। चलिए आप एक बार जरा अपनी तंद्रा खत्म करिए। देखिए आपने बहुत सारे रंग देखे और बहुत सारा आनंद लिया, कुछ रंग बिरंगे गुलदस्ते में से आपने जो अपने रंगों को दर्शन किया। मेरा रंग देख लीजिए, सुनहरी लाल रंग है। दो रंग हैं इस दुनिया में, दो रंग जीवन के और दो रास्ते, सुनहरी और लाल, इसके अलावा कोई रंग है ही नहीं, और उससे बनाऊँ मैं। एक बार मेरे लिए ताली बजा दीजिए। इनका रंग आपने देख ही लिया। अब हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं, रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं, और किसी का रंग चढ़ गया हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है जी। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा ले। जिंदाबाद। मस्त रहते हैं, जिंदगी को आराम के साथ, मस्ती के साथ जीते हैं। दुख तो सबके ऊपर आते हैं, और ये दुनिया ही दुखों का संसार है, ये रोने वाला संसार है। जब आदमी पैदा होता, बच्चा पैदा होता है, रोता नहीं है तो उसे रुलाया जाता है, रो नहीं रहा। घर के परिवार के डॉक्टर सब परेशान होते हैं, रो नहीं रहा, जो मार मार के गर्म पानी डाल के सुई चुबा चुबा के एक बार कै बोल ले ना फिर सही हो जाता जो अब ठीक है, तो बचपन से ही रुलाया जाता है। लेकिन आप रोने में भी खुशियाँ तलाशिए, रोने में भी खुशियाँ तलाशिए। और खुशियाँ क्या हैं कि जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और दो घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कराने के लिए। क्या बात है। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और दो घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। वाह, जिंदाबाद। यहां से भी घर जाएंगे
वही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, मर जा। इसलिए यहाँ आए हैं तो यहाँ का आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए यहाँ की जी। और आज का समय सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी नहीं आएगा जो आज का समय। आदरणीय बैठे हुए जिन्होंने ये सारा का सारा खेल रचाया है, ऐसे समय में जब कोरोना समय चल रहा था, बुरा समय, और उस समय ये लोग अपनी जान हथेली पर रख करके, अपने प्राण हथेली पर रख करके और दूसरों की सेवा में लगे हुए थे, इनके लिए चार पंक्ति तो कहना जरूरी है। क्या बात है। जोरों को सहारा दें बहुत कम लोग मिलते हैं, जो थोड़ा भी इशारा दें बहुत कम लोग मिलते हैं, और बहा देते हैं बहुतों को बहुत से तेज धारों में, जो बहतों को किनारा दें बहुत कम लोग मिलते हैं। पता नहीं आप लोगों को, बुलंदशहर के लोगों को कविता पसंद नहीं आती। कोई पानी मांग रहा है, कोई गिलास मांग रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई खुजा रहा है, कोई पता नहीं क्या हो रहा है। खुजाने में वैसे मजा आता है, जिंदगी में बहुत खुजाओ। जब खुजली मच रही हो तो आदमी फिर जहाँ और हाथ ना पहुंच रहा हो तब और खुजली का मजा आता है। जितना मजा नहीं आता है लड्डू पेड़ा खाने में, और उससे अधिक मजा आता है खुजली खाज खुजाने में। देखिए वो आया था कोरोना, कोरोना में सब लोग परेशान थे। देख फिर उठ गए, कई बाहर के नाटक तो अपनी ओर उठ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ जब टेंशन में थे और ये लोग बड़े गौरवशाली क्षण महसूस कर रहे थे कि हम सेवा कर रहे हैं लोगों की। घरों से निकलना बंद हो गया था, लोग घर से बाहर निकलते ही बीमारी होने का शक होता था, घर में अंदर भी शक होता था, जरा सी छींक खांसी आ गई किसी को समझ लो कोरोना है। लेकिन ऐसे समय में घर में से बाहर निकलना तो दूर, घर के अंदर भी कोई आए तब भी डर था। दुकानें बंद थीं चारों तरफ और पुलिस के डंडे घूम रहे थे। ऐसे में अरे भैया हमारी दुकान चल जाए तो वैसे पैसे तो हमें पूरे मिल जाएंगे। तो जब बाहर कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो घर में बनाते थे, और घर में बना करके उसका फोटो खींच करके और फेसबुक पर डाल करके दिखाते थे, हमने आज गोलगप्पे बनाए, हमने खीर बनाई, कोई ये डाला था हमने फटे दूध की खीर बनाई। फटे दूध की खीर हमने की पता नहीं कैसी, जब दूध फट गया उसमें चावल गिर गए गलती से, दूध पहले ही फट चुका था। अब मैंने कहा ये इसको चलाते रहे बहुत देर तक, और फिर चीनी और डाल दी, दूध की बन गई खीर। चावल का स्वाद अलग और पनीर का स्वाद अलग, चावल और पनीर बन गई खीर। बजाओ ताली इसके लिए, बना कर देखना घर पर। तो देखिए उस समय कैसे आनंद आते थे, मैं उस स्थिति में आपको ले जाना चाह रहा हूँ। घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे, लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। और भाई साहब ऐसी पिटाई होती थी कि बेसन लेने जाते थे सूजी लेके लौटते थे। ये हाल था के लौट के घर पे, लौट के मैं भी आपको माल बनाना चाहता हूँ, छोटा सा मैं भी कभी हूँ ग्रीन शेयर, और वो कर्ज जो आपने बताया है और खुल के बताइए। आपको मैं आपकी माला को मैं संभाल के पहनता हूँ, वैसे मैं इसका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, बताते नहीं थे कि बेसन लाए हैं सूजी,
लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये था जिंदगी का असली आनंद। मस्त लीजिए, देखिए आजकल लोग बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि उनको भ्रष्ट ही भ्रष्ट दिखाई देते हैं। ये कहते हैं ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, और भ्रष्ट आदमी ही भ्रष्ट को पहचान लेता है। तो उन भ्रष्टों के लिए दो लाइन देखिए कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम चार कदम आगे हैं, हम तो उनसे भी सनम चार कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। आप टेंशन मत लो भाई साहब, ससुराल में मैं दरअसल दिल्ली में रहता हूँ, मकान है किराए का, ससुराल वाले भी किराए पर रहते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो साल से पहले ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है और हम ऐसे में भी मस्त रहते हैं। कभी टूटी छत मिल जाती है किराए पे मकान लो तो कभी टूटी छत वाला मिल जाता है। अब क्या करें, रात में कुछ कर तो सकते नहीं, तो सुख तलाशते हैं दुखों में से कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। अभी नेता बलदेवा सब के ले देता हूँ। और देखिए साहब, अभी राधिका मित्तल गई यहाँ से, खुले खुले बाल पीछे लटके हुए थे। हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी 11वीं क्लास में, पहले खुले खुले बाल रखती थी तो उलझ जाते थे, तो उसकी मम्मी ने उसकी चोटी बनाना शुरू किया। चोटी क्या है, उसमें चोटीला लटका के और यहाँ तक घुटने तक कर लेती थी नीचे तक, और जब वो चलती थी ऐसे हिलती थी नागिन सी। उस समय एक गाना चला था, चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके, और इतना कहते थे तो वो रामदुलारी नाम था उसका, रामदुलारी गाली देती थी, मरेगा कम मुख तेरा नाच जाए तेरे माँ बहन ना यू ना उना ऐसा करती, हम भाग जाया करते थे। एक दिन जी सच बात है, एक दिन 47 साल बाद में 65 का हूँ, रामदुलारी मंदिर के लाइन में मिल गई मुझे। रामदुलारी क्या, वो सफ़ेद सी चोटी थी एक लंबी सी महिला की, मैंने कि ये कहीं रामदुलारी तो ना, मैंने पूछूं जैसे तो लेकिन पिटाई भी हो सके, तो मैंने ऐसे करके गर्दन घुमाई खुजाते खुजाते ऐसे करके देखा तो उसके दो दांत उखड़े हुए थे आगे से, मैंने कि ये रामदुलारी ना। फिर मैंने सोची हो सकता है 65 साल की हो गई होगी, उखड़ गए होंगे हैं, तो फिर मैंने दोबारा देखा, मैं एक बार और देखूं कहीं राम दुलारी हो। दोबारा देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसी लगी जैसे रानू मंडल है ना, वो जो गाना गाती थी सड़क पे वो। फिर भी मैंने कहा मैं देखता हूँ जरा इसको, वो वाला गाना गा कर एक लास्ट वही रह गया था पहचान का, जो 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 इसकी मुझे जानकारी प्राप्त करनी थी, मैंने वो गाना गा के देखूं धीरे धीरे कोई सुन ना ले, केवल राम दुलारी सुने। तो मैंने दो एक लाइन पूरी नहीं हुई थी, चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लट,
एकदम उसने देखा पलट के, राम दुलारी थी। मैं एकदम डर गया, मैंने कोई और ना हो। मैंने पीछे गर्दन घुमाई, मैं भी यू टर्न मारा अपना ऐसा करके, मैंने कोई लफड़ा होगा तो कोई बात नहीं है, और वो हुई तो क्लास फेल होगी, मैं पूछेगी तू कैसे आ गया। और उधर की तरफ से मुंह जब इधर किया तो राम दुलारी से तो बच गया, मेरी जो राम दुलारी थी मैं घर छोड़ आया था उसको, वो पता नहीं पीछे कहाँ से आ गई। जो कर ये तुम माचिस छोड़ आए थे, ये माचिस देने आई हूँ तुम्हें, और तुम ये औरतन ने देख के गाना गा रहे हो ना, पूजा करने आए हो, इतना पसीने ही पसीना हो गए, पसीने ही पसीना, काटो तो खून नहीं और धरती जमीन के नीचे से निकल गई। तो मैंने जल्दी में उसको बोला, मेरी बहन मैं काय के लिए आया हूँ, मैं राम दुलारी से बहन कह नहीं, मैंने अपनी राम दुलारी से ही बहन कह दी। मैंने कि मैं तो यहाँ भजन गा रहा था, तुझे क्या लग रहा है कि तुम्हारा भजन मैं 35 साल से सुन रही हूँ, सुनइए जरा दोबारा से। मैंने थाली पकड़, मैंने थाली पकड़ाई और मैंने यू टर्न लिया, देखिए ऐसे करके हाथ जोड़े आंख बंद करी और वही गाना कि चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा लगे 50 झटके, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षणों में दूर करे। बोली आरती तो तुमने मैया की बहुत अच्छी लिखी है। मैंने मैया की ना दादी की जो खड़ी है सामने, वो बोली कि माँ क्लास में भी ऐसे ही करा करो। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इतनी माला मिली है बुलंदशहर में, इतनी कभी नहीं मिली। जब 11वीं पढ़ता था तब भी मैं माला के लिए तरसता था, एक माला मिल जाए। वो जा करके जब मैं BA कर लिया, MA कर लिया, तब जाके एक माला पड़ी, आज तक झेल रहा हूँ उसे। उस समय क्या होता था कि फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे, फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे, और चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते थे। और ये माला पहनाने में एक बात कह दी भाई ने, माला माल हो गए, इन्हों कह रहा था माला माल हो गए। मैंने 2 कुत्ते पाले और एक तो विदेशी, एक देसी। देसी वाला तो मोहल्ले वालों से बातचीत करता रहता है, और जो विदेशी है वो बंधा रहता है, और वो हिंदी नहीं समझता, उसको अंग्रेजी में बोलो तो सुनता नहीं, तो सुनता ही नहीं, इंग्लैंड से आया है वो, अद्भुत कुत्ता है वो। अपने वाले को बुलाते हैं जो सड़क फाक वाला है, तो 2-3 और आ जाते हैं उसके साथ, उसके फ्रेंड जो गली वाले होते हैं ना, और उसको अंग्रेजी वाले को तो कहना पड़ता है आओ आओ बोलो, सुनता ही नहीं उसको, जो बोलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट आता है वाओ वाओ वाओ, ऐसे करता है। और अपने देसी वाले को बात देते हैं ना, देसी वाले को ओ ओ ओ, 4-5 फ्रेंड और आ जाते हैं उसके, वो करते पूछ हिलाता हुआ पैर चाटता है। तो एक दिन ये स्वदेश पहुंच गए भाई मेरे घर पे, जो गुरु लाल बाबू जी या गुरु जी, ये बताओ ये तुम जब इससे बुलाते हो तो ये तुम्हारी सुन लेता है, ये अपनी पत्नी को जब आवाज़ देता हो तो ये कैसे देता है आवाज़। मैंने कि ये तो मैं बता दूँ, ये अपनी पत्नी को आवाज देता है ये अंग्रेजी मीडियम वाला कुत्ता, तो उसको बोलता है वाइफ 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 वाइफ। और बोले ये हिंदी मीडियम वाला भी ये भी वाइफ बोलता है, बोले मुझे समझता नहीं है वाइफ को बुला रहा है,
वो हिंदी वाला बोलता है अपनी पत्नी को, सीधे ही बुलाता है, सीधे बात देता है, बहू बहू तो मोहल्ले वाले ईंट मारते हैं उसको, और जैसे ईंट पड़ती है तो उसकी आवाज बदल जाती है, बहू